केमिस्ट्री बुक 2 चैप्टर नंबर 14। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मैक्रोमोलेक्यूल्स। मैक्रोमोलेक्यूल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्ड मैक्रो है इसका मतलब होता है वेरी लार्ज इन साइज, एंड मॉलिक्यूल्स डेफिनेटली वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स हम इसके अंदर स्टडी करते हैं, सो इस वजह से हम इनको मैक्रोमोलेक्यूल्स कहते हैं। अभी रिसेंटली आपने चैप्टर नंबर 13 के अंदर प्रोटीन्स का जिक्र देखा था, आपने देखा था कि अमीनो एसिड्स के जब बहुत ज़्यादा पेप्टाइड लिंकेजेस के साथ आप ढेर सारे अमीनो एसिड्स आपस में जोड़ देते हो तो जो उनका पॉलीमर होता है यू कॉल इट अ प्रोटीन, ठीक है। तो देन प्रोटीन इज़ अ टाइप ऑफ अ मैक्रोमोलेक्यूल। इसके अलावा देर आर सेवरल अदर टाइप्स ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स, जैसे आप देखते हो कि जो प्लास्टिक्स हैं, ठीक है, ये भी पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, वेरी लॉन्ग चेन्स। सो ये तमाम मॉलिक्यूल्स जो बहुत बड़े होते हैं साइज में, जिनमें बहुत लंबी लंबी चेन्स होते हैं, हम इन सबको मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। थोड़ा सा आज हम इस चैप्टर का ओवरव्यू आपको मैं बता देता हूँ कि हम चैप्टर कैसे प्रोसीड करेंगे। आज इंट्रोडक्टरी लेसन है इस चैप्टर का, इंट्रोडक्शन होगा, हम देखेंगे कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स में चेन्स कैसे बनती हैं, थोड़ी हम एग्जांपल्स भी देख लेंगे। इससे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा पॉलीमर्स के ऊपर, फिर हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर्स की कुछ बात करेंगे जो इंडस्ट्री में ख़ुद प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसके अलावा हम लोग फिर बायोपॉलीमर्स की बात करेंगे, और बायोपॉलीमर्स इज़ ऑलमोस्ट लाइक 80% ऑफ दिस चैप्टर। सो हम ज़्यादा बात जो न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, लिपिड्स के बारे में, प्रोटीन्स को हम मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। ये जो टर्म मैक्रोमोलेक्यूल है ये सबसे पहले जिस बंदे ने यूज़ की, हिज नेम वॉज हर्मन स्टर्डिंगर, और ये टर्म इस्तेमाल की गई थी 1920s के अंदर, ठीक है। 1920s के अंदर जब ये टर्म इस्तेमाल की गई तो उस वक्त जो हर्मन स्टर्डिंगर ने कंसेप्ट दिया, उसने ये कहा कि जो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे हम उनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। उस वक्त ये पॉलीमर्स और ये चीज़ें प्रोड्यूस अभी तक नहीं हुई थी। पॉलीमर्स की जो स्टोरी है कि पॉलीमर्स वर्ड किसने इंट्रोड्यूस कराया था, जो वर्ड पॉलीमर है इसका भी मतलब यही होता है, मैनी पार्ट्स या मैनी फॉर्म्स। जो पॉलीमर का वर्ड है ये 1833 के अंदर बर्जीलियस ने इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है। अब जब ये 1920s में मैक्रोमोलेक्यूल्स का कंसेप्ट दिया गया ना कि बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स को आपने मैक्रोमोलेक्यूल कहना है, तो उस वक्त पॉलीमर किसी और चीज़ को कहा जाता था और मैक्रोमोलेक्यूल किसी और चीज़ को। पॉलीमर का जो कंसेप्ट था ना, पॉलीमर उस ज़माने में ये समझा जाता था कि इट इज़ अ टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, ठीक है, एक मॉलिक्यूल की एक से ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं और उसको आप पॉलीमर्स बोलते हो, ठीक है। जो आजकल की हम पॉलीमर्स की डेफिनेशन देते हैं, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट पॉलीमराइजेशन। आज जो अब रिसेंट लिटरेचर के अंदर जो हमने अब खुद डिफाइन कर दिया है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आप किसी भी पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल को एक मैक्रोमोलेक्यूल कहते हो, मैक्रोमोलेक्यूल, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि ये प्लास्टिक्स ही इसमें शामिल हों। अच्छा, एक और बहुत बड़ी कन्फ्यूजन इसमें ये होती है कि जब कोई बात पॉलीमर्स की या मैक्रोमोलेक्यूल्स की करता है ना, तो फौरन जहन में प्लास्टिक्स आ जाते हैं। तो पॉलीमर ज़रूरी नहीं है सिर्फ प्लास्टिक को, प्लास्टिक इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है, और प्लास्टिक्स जो होते हैं ये नेचुरल या सिंथेटिक होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। इसके अलावा आपके पास ढेर सारे बायोपॉलीमर्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, पॉलीमर्स की प्रॉपर क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। सो नाउ लेट अस लुक एट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। अब इसके बाद में जब भी पॉलीमर्स का लफ्ज़ बोलूँगा तो आपके जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए, डेफिनेटली इस चैप्टर का नाम ओवरऑल तो वैसे मैक्रोमोलेक्यूल्स है, बट यू कुड इवन कॉल इट पॉलीमर्स, ठीक है, सो इट इज़ द सेम थिंग। क्लासिफिकेशन जब आप करते हो पॉलीमर्स की या मैक्रोमोलेक्यूल्स की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हो। एक होते हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ठीक है, ऑर्गेनिक, और एक होते हैं इनऑर्गेनिक। जैसे आपने इस बुक को ओवरऑल डिवाइड कर दिया ना ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के अंदर, क्योंकि देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द केमिस्ट्री, सो आप इन दोनों को इकट्ठे स्टडी नहीं कर सकते। इनऑर्गेनिक के अंदर देर आर फर्दर ब्रांचेस,
inorganic ke andar aap kya kya kis kis kism ke polymers aapke paas ho sakte hain. You could either have giant molecules like diamond. Ab jo diamond ka structure hai, aapko pata hai ki sp3 hybridized carbons hote hain aur is shape mein har carbon ke sath char mazid carbons attached hote hain aur ye bahut hi bada sa structure ban jata hai. To hum isko bhi ek macromolecule hi kehte hain. Although ye naturally aap synthesize nahi karte hote, artificial iska synthesis nahi hota, ye naturally occurring hote hain diamonds, but this is how its structure looks like. It is a giant molecule aur is wajah se hum isko macromolecules ke andar study karte hain. Then graphite ka, if you look at the structure of graphite, so once again graphite is sp2 hybridized. Iske layers hoti hain, layers of planar sp2 hybridized carbons and hydrogens, and then darmiyan mein pi bonded electrons join those layers. To ye bhi ek tarah se bahut lambi lambi chains hoti hain. It is once again a macromolecule. Iske alawa aap log sand ka structure pad chuke ho, SiO2, theek hai. It is something like this. Or if you see this structure, this is once again a macromolecule. ठीक है, it extends far beyond. ये बहुत लंबी लंबी chains में होता है. So आप एक concept आपके ज़हन में develop हो जाना चाहिए. Macromolecule are long chain compounds. ठीक है, the long chain molecules, chained molecules. ठीक है, बहुत लंबी लंबी chains. क्योंकि एक molecule itself इतना बड़ा कभी भी नहीं हो सकता. छोटे छोटे units होते हैं ढेर सारे. ठीक है, जिसको आप monomer बोलते हो. छोटे छोटे मोनोमर्स मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं. ठीक है, किस तरीके से बनाते हैं ये हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल में देखेंगे कि एक मोनोमर से पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस कैसे प्रोसीड होता है. ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के अंदर देर आर टू मेजर ब्रांचेस. ठीक है, जो आप इस चैप्टर के अंदर भी ओवरऑल डिटेल में स्टडी करोगे. जो फर्स्ट है, दोज आर बायोपॉलीमर्स एंड द अदर वन इज सिंथेटिक पॉलीमर्स. सिंथेटिक जो हम लोग खुद प्रोड्यूस करते हैं, और बायोपॉलीमर्स जो ह्यूमन बींग्स के अंदर नेचुरली अकरिंग है. बायोपॉलीमर्स के अंदर देर आर फोर बेसिक क्लासेस. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन्स. प्रोटीन्स यू हैव ऑलरेडी सीन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स. इसके अलावा आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स. देन यू हैव लिपिड्स एंड देन यू हैव न्यूक्लियक एसिड्स. इन चारों को हम बहुत डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे इसी चैप्टर के अंदर. दिस इज ऑलमोस्ट 80% ऑफ योर चैप्टर, दिस कंप्लीट पार्ट. प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. देन यू हैव सिंथेटिक पॉलीमर्स जो आप खुद लेबोरेटरी के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हो. दीज सिंथेटिक पॉलीमर्स माइट इंक्लूड प्लास्टिक्स. जैसे मैंने व्यू पर आपको बताया था, प्लास्टिक्स इज अ टाइप ऑफ पॉलीमर्स, बट इट्स नॉट ओवरऑल. आप हर प्लास्टिक, हर पॉलीमर एक प्लास्टिक ही होना जरूरी नहीं है. देन यू हैव रबर. ठीक है, नेचुरल रबर हो सकती है या सिंथेटिक रबर हो सकती है जो वल्कनाइज्ड होती है सल्फर के थ्रू, या अदरवाइज यू कुड हैव फाइबर्स. ठीक है, एंड यू कुड यूज देन दीज फाइबर्स इन फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट मटेरियल्स के अंदर. आप इनको यूज करते हो, ग्लास फाइबर्स आप ले सकते हो. ठीक है, या ग्लास फाइबर्स अगर आप ले रहे हो तो इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इनऑर्गेनिक. यू कुड हैव ग्लास फाइबर्स, यू कुड हैव ऑर्गेनिक के अंदर यू कुड हैव कार्बन फाइबर्स. ठीक है, बट कार्बन फाइबर्स वैसे हम इनऑर्गेनिक के अंदर स्टडी करते हैं. देन यू हैव कार्बन नैनो ट्यूब्स, CNTs. इट्स वेरी वाइड कंसेप्ट आजकल ये आ चुका हुआ है. इसके अलावा यू हैव लाइक बकी बॉल्स. बकी बॉल्स के थ्रू आप एक स्ट्रक्चर बनाते हो विच इज कॉल्ड अ ग्रफीन. ठीक है, ग्रफीन का एक इट इज देन वंस अगेन इनऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल. सो दिस इज हाउ मैंने आपको क्लासिफिकेशन एक तरीके से ओवरऑल बता दी है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स कितने किस्म के हो सकते हैं. ठीक है, यू कुड हैव ऑर्गेनिक ओवरऑल एंड इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक के अंदर देर आर बायोपॉलीमर्स एंड देन यू हैव सिंथेटिक पॉलीमर्स, एंड इन इनऑर्गेनिक यू हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. थोड़ा सा हम इस बात को आगे लेके चलते हैं. मैक्रोमोलिक्यूल मैंने बोला कि इट इज मेड अप ऑफ सिंगल यूनिट्स कंपाउंड्स. सिंगल यूनिट कंपाउंड्स लाइक मोनोमर्स जिनको आप बोलते हो, और ढेर सारे मोनोमर्स मिलके एक लंबी सी चेन बना देते हैं विच इज देन कॉल्ड अ पॉलीमर. लेट्स कंसीडर द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल पॉलीमर्स. अगर आपके पास एक एथीन का मॉलिक्यूल है, यू हैव
C2H4. अगर यहाँ से this double bond breaks, you have two arms extended on both sides. Now this complete thing is called a chain, it's called a monomer, right? And this monomer would actually repeat itself this way, and then on this side too, and on both sides. और ये एक लंबी सी एक chain बना देगा, ठीक है? इस तरीके से देखो, ये एक joint है, ये एक joint है, इसी तरह यहाँ पे एक और joint होगा. Let's put another one there. ठीक है, एंड इस तरीके से एक लंबा सा पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, विच इज कॉल्ड अ पॉलीमर. सो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग चेन. अगर मैं इसको दूर से जूम आउट करूँ अगर मैं और देखूँ, तो ये बेसिकली यूँ एक लंबी सी चेन बन जाएगी. ठीक है, अच्छा, चेन में एक और आपको एक कंसेप्ट बताऊँ कि ज़रूरी नहीं है कि चेन बिल्कुल एक सीधी, मतलब अगर चेन में कह रहा हूँ तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि एक सीधा धागा बना दो लंबा सा. ये डेफिनेटली ये चेन बिल्कुल कभी भी सीधी नहीं रहती, आपस में यूँ हो जाएगी. ठीक है, इसकी शेप ऐसे हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. ये ऊपर में समझ लो ये एक थ्रेड है जो आपस में इंटेंगल हुआ हुआ है. ठीक है, ये नॉर्मली जितने भी आपके पॉलीमर्स होते हैं, दे आर इन इंटेंगल्ड फॉर्म. ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर अभी हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं. ये जो भी ऊपर मैंने आपको एथिलीन दिखाया है, ये एथिलीन या एथीन था, और इसका मैंने पॉलीमर बना दिया है. सो पॉलीमर्स को नाम आप कैसे देते हो? अकॉर्डिंग टू IUPAC स्टैंडर्ड्स, आप लिखो पॉली एंड देन आगे जिस चीज़ से आपने पॉलीमर बनाया था, एथीन. सो देन दिस कंपाउंड वुड बी कॉल्ड पॉली एथीन, राइट? एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये होता है पॉलीमराइजेशन के अंदर या मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर, कि कितने मॉलिक्यूल्स आपस में मिल के पॉलीमर बना रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस प्रेजेंट सिचुएशन जो अभी आपको नज़र आ रहा है, इसमें 1, 2, 3 and 4 मॉलिक्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं. ठीक है, देन दिस कंप्लीट थिंग इज कॉल्ड एक्चुअली द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. इट इज़ अ वे जिसमें आप पता चला सकते हो कि चेन की लेंथ कितनी है. ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो मिल के वो पॉलीमर बना रहे हैं. ठीक है, यू शुड नॉट कन्फ्यूज इट विद द मैस ऑफ द पॉलीमर. मैस इज डिफरेंट डेफिनेटली. नॉर्मली जो आप मैक्रोमोलिक्यूल स्टडी करते हो, देयर मैसेज आर 10,000 प्लस हायर, 10,000 एंड हायर. इट कुड बी इवन 1,000,000 तक. कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मैस 1,000,000 एंड इवन हायर भी होता है. ठीक है, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 10,000 एज यू सॉ इन प्रोटीन्स. 10,000 से छोटे वाले भी आप देखोगे बहुत सारे, इवन दीज आर कॉल्ड पॉलीमर्स. डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज देन द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स. सो डैट एक्चुअली डिपेंड्स. अगर आपका रिपीटिंग यूनिट ही बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा मैस का है, ठीक है, अगर ये सिंगल यूनिट ही बहुत ज़्यादा मैस का है, स्पेशली जिनमें फेनल ग्रुप्स वगैरह लगे हुए होते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ मैस, तो फिर आपके बहुत ज़्यादा यूनिट्स नहीं होते फिर. एंड अगर बहुत ही सिंपल सा आपका स्ट्रक्चर है, तो देन देर कुड बी अ लॉट ऑफ सिंगल मोनोमर्स जॉइंट टुगेदर. डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का कंसेप्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है? दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये भी आपको बता देता हूँ. डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हमें क्या बताता है? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एक्चुअली टेल्स अस कि चेन कितनी लंबी होगी. लेंथ ऑफ चेन का इससे आपको आइडिया हो जाता है. यानी यू कैन से डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ चेन. अच्छा, फिर लेंथ ऑफ चेन से क्या होगा? लेंथ ऑफ चेन जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही पॉलीमर. फॉर एग्जांपल, मैंने अभी आपको बताया था ना कि पॉलीमर, ये लेट से मैं एक डॉट जो लगा रहा हूँ, दिस इज अ मोनोमर, एंड सी आई हैव जॉइंट अ लॉट ऑफ डॉट्स. अब मैं जितने यूँ डॉट्स इकट्ठे यूँ जोड़ता रहूँगा, तो बेसिकली इनके आपस में क्रॉस लिंकिंग भी तो हो रही होगी ना. देर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड क्रॉस लिंकिंग. We'll talk about it in detail in a short while. ये जो आपस में इनकी वैन डर वाल्स फोर्सेज होंगी, इवन अगर आप सबसे सिंपल H2O का स्ट्रक्चर ले लो या HCl भी ले लो, तो उसके अंदर भी जब दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं, तो देर आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एंड डिपेंडिंग कि आपकी किस टाइप की फोर्सेज होंगी, डिपेंड करता है आपका फंक्शनल ग्रुप कैसा है. अगर जैसे मैंने आपको ऊपर पॉलीएथीन की एग्जाम्पल दी थी, इट इज़ अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेफिनेटली, सो देर वुड बी वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज, बट दोज वैन डर वाल्स फोर्सेज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल. एंड एज द चेन लेंथ इंक्रीजेज, उतना ही ये वैन डर वाल्स फोर्सेज स्ट्रांग होने लग जाएंगी, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा इंटेंगल्ड, जो मैं कह रहा था ना, इंटेंगलमेंट उतनी ज़्यादा होने लग जाएगी.
जितनी इंटेंगलमेंट ज़्यादा होगी उतनी क्रॉस लिंकिंग ज़्यादा होगी, और उतनी बाई क्रॉस लिंकिंग आई डोंट मीन प्रॉपर बॉन्ड्स, ये जो मैं रेड डॉट्स लगाए हैं दे आर एक्चुअली शोइंग अस वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। बाई क्रॉस लिंकिंग डोंट कन्फ्यूज इट विद प्रॉपर क्रॉस लिंक्ड मॉलिक्यूल्स, वो भी एक अलग कैटेगरी होती है पॉलीमर्स की, वो भी हम अभी देख लेते हैं। तो जितनी इंटेंगलमेंट ज़्यादा होगी उतनी फोर्सेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हो गई, और जितनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हुई उससे क्या हुआ कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गए, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया। एंड पॉलीमर्स के अंदर देर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कि व्हेन दे आर इन लिक्विड फॉर्म्स तो इनकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। पॉलीमर्स आर यू नो, अगर आप किसी मैकेनिकल किसी इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करो, पॉलीमर्स आर नॉट वेरी गुड इंडस्ट्रियली। जब आप किसी हाई टेक एप्लीकेशन की बात करते हो ना, दे हैव अ ड्रॉबैक। पॉलीमर्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये बहुत ही कम होता है, ठीक है। एंड देयर अदर ड्रॉबैक इज दैट दे आर ब्रिटल, दे आर वेरी ब्रिटल। ब्रिटल भी मीन के ये फौरन टूट जाते हैं, इनके अंदर डक्टिलिटी बहुत ही कम होती है। सो हाउ डू वी कंट्रोल दीज प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड इवन टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ आप इसकी कैसे इन्हेंस कर सकते हो, आप इसकी टफनेस कैसे इन्हेंस कर सकते हो, आप इसकी रेजिलियंस कैसे इन्हेंस कर सकते हो, ये सब कुछ जो है ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द चेन के ऊपर। एंड लेंथ ऑफ द चेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। सो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में क्रॉस लिंक, जितने ज़्यादा इंटेंगल्ड होंगे, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिलकर पॉलीमर बना रहे होंगे, उतनी ही ये प्रॉपर्टीज इन्हेंस होंगी या डिपेंड करता है, मतलब जो आप लैब के अंदर जब खुद सिंथेसाइज कर रहे हो, सो हूएवर इज डूइंग इट एक्चुअली नोज के उसने किस हद तक पॉलीमराइज करना है, कितनी उसने डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन रखनी है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से आप मास भी कैलकुलेट कर सकते हो, ऑल्दो इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। अगर आपको एक यूनिट का मास पता है, सिंगल यूनिट का मास, मास ऑफ सिंगल यूनिट, एंड अगर आप उसको डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से मल्टीप्लाई कर दो, सो यू गेट द मास ऑफ द टोटल मास ऑफ द बिगर मॉलिक्यूल या मैक्रोमॉलिक्यूल जो भी आपने कंसिडर किया हुआ है, पॉलीमर और व्हाटएवर, ठीक हो गया। फाइनली इस लेक्चर को हम लोग कंक्लूड कर देते हैं बाय अ सिंपल कंसेप्ट विच इज़ कॉल्ड, नॉट अ कंसेप्ट, दिस इज यू नो समथिंग इम्पॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स। ये पॉलीमर्स का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, पॉलीमर्स का स्ट्रक्चर या तो ये हो सकता है कि एक यूनिट ये लगा हुआ है, उसके साथ एक और लगा हुआ है, उसके साथ एक और लगा हुआ है, एंड ये सारे लगे हुए हैं और ये सारे एक ही लाइन में अगर लगे हुए हैं, सो ऐसे पॉलीमर को यू कॉल अ लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर। द अदर पॉसिबिलिटी कुड बी कि एक लाइन में चलते आ रहे हैं लेकिन दरमियान से एक साइड पे दो साइडों पे निकलना शुरू हो गए हैं, ठीक है, दो ब्रांचेस निकल गई हैं, ठीक है। तो चूंकि ये ब्रांचेस निकल गई हैं, सो देन वी कॉल इट ब्रांच्ड पॉलीमर्स। लेटर ऑन इन दिस चैप्टर जब एग्जांपल्स इस तरह की आएंगी, सो मैं वर्ड्स यूज करूंगा, इसलिए इट्स बेटर कि आप वोकैबुलरी अभी साथ साथ बिल्ड करते जाओ। एंड देन देयर इज अ थर्ड टाइप इन विच, यहाँ पे अभी जगह थोड़ी कम बच गई है, सो लेट्स ड्रॉ इट राइट हियर, यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं। इसमें यह होता है कि आपके पास लेट्स से ये एक लाइन के अंदर ढेर सारे मोनोमर्स जुड़े हुए हैं, और ये एक और नीचे एक और लाइन है जिसमें ढेर सारे मोनोमर्स जुड़े हुए हैं, बट इन दो लाइंस के आपस में ना क्रॉस लिंकिंग हुई भी है। बाय क्रॉस लिंकिंग आई मीन ये वाला और ये वाला आपस में भी जुड़े हुए हैं, ये वाला और ये वाला आपस में भी जुड़े हुए हैं, इसी तरह नीचे एक और ढेर सारे मोनोमर्स की एक लीनियर फॉर्म में वो जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे फिर यहाँ पे क्रॉस फॉर्म है। और ये जो मैं आप लाइंस लगा रहा हूँ, ये जो अभी मैंने लगाई हैं, लेट मी ड्रॉ देम इन ग्रे, ये वाली जो लाइंस हैं, बाय दीज आई डोंट मीन वैन डर वाल्स फोर्सेस, अगर तो ये वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं तो फिर ये क्रॉस लिंक पॉलीमर नहीं कहलाएगा। ये जो भी मैंने ऊपर ड्रॉ की है, दीज आर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। इन दिस सिचुएशन वी कॉल इट क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ठीक है, या इवन यू कॉल इट इंटरकनेक्टेड पॉलीमर बिकॉज देयर इज इंटरकनेक्शन बिटवीन दीज लीनियर एरेज, तो इसको आप क्रॉस लिंक्ड लीनियर पॉलीमर भी बोलते हो या इंटरकनेक्टेड लीनियर पॉलीमर भी बोलते हो, ठीक है। अगर वैसे जितना मैंने अभी आपको इस लेक्चर में बताया है, अगर मैं आपसे पूछूं कि लीनियर पॉलीमर्स वर्सेस
branched polymers versus cross-linked polymers, in teenon mein se melting boiling points kiske zyada honge? Good. It's obvious. मतलब ये जो cross-linked polymers हैं, चूंकि they have a lot of intermolecules, इन्होंने इनके अंदर आपको देखो थोड़ी regularity नजर आ रही है, you know? ये चूंकि straight lines में और आपस में cross-linking हुई हुई है, जिसकी वजह से there would be proper bonds and lesser distance in between these molecules. जबकि इसके अंदर linear और जो branched polymers हैं, इनके अंदर purely amorphous structure होता है. वैसे तो उस ऊपर वाले का भी amorphous ही है. That's an important, that's another point जो मैंने अभी तक नहीं बताया कि ये जो polymers हैं, ये जो macromolecules, we've been talking about them for quite a while now, ये macromolecules जो हैं, ये हमेशा amorphous structure होता है इनका. They can never have a crystalline structure. Apart from a few, there are certain, you know, मसलन यहाँ पे ये जो हमने category classification की थी, इसके अंदर if you see here, inorganic category ke andar we talked about diamond. Ab diamond has a crystalline structure, same goes for graphite, right? And you could have some fibers with purely, which are purely crystalline. Vaise fibers ke andar bhi there are some irregularities, but fibers bhi aap le sakte ho. Carbon nanotubes, you could have crystalline structure of carbon nanotubes, you know. So these inorganic micromolecules, they are partially crystalline, you can say, but these organic macromolecules, they are always nucleic acids. Ab kabhi bhi aap nucleic acid ko crystalline compound nahi bologe, theek hai? They're not crystalline, definitely. So this is it for this lecture. Isse next lecture ke andar hum polymers ki types dekhenge, theek hai? Types of polymers, and then hum जो आज इस लेक्चर के अंदर हमने देखा है, इसको विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे यूजिंग सम एग्जांपल्स एंड 3D स्ट्रक्चर्स, कि हाउ डू डिफरेंट पॉलीमर्स लुक लाइक एंड मोनोमर्स लुक लाइक.